हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो है एपोमिक्सिस के बारे में। तो एपोमिक्सिस, इसके बाद हम कंसीडर करेंगे दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी और साथ ही में पार्थेनोजेनेसिस। तो एपोमिक्सिस क्या है वो पहले देख लेते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब होता है जब कोई सीड फॉर्मेशन होता है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब कोई मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, बट स्टिल वहां पे फॉर्मेशन किसका होता है, एम्ब्रियो का या सीड का। उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। इट इज अ फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और सीड थ्रू अ सेक्सुअल मेथड दैट इज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें दो डेफिनेशंस, दो टर्म्स हमको पढ़ने को मिलती है, एक है एपोगैमी और एक है एपोस्पोरी। तो गैमी का मतलब गमिटोफाइट और स्पोरी का मतलब स्पोरोफाइट। गमिटोफाइट हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड यानी उसमें आधा क्रोमोसोम नंबर होता है, और स्पोरोफाइट डिप्लोइड होता है, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो एपोगैमी का मतलब क्या, जब गमिटोफाइट यानी हैप्लोइड गमिटोफाइट से एम्ब्रियो बनेगा, दो हैप्लोइड गमिटोफाइट का फ्यूजन होगा और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी। तो यहां पे हम देखते हैं इन एपोमिक्सिस व्हेन गमिटोफाइट और एनी सेल ऑफ गमिटोफाइट प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एपोगैमी। तो जब एम्ब्रियो गमिटोफाइट यानी हैप्लोइड गमिटोफाइट से बनेगा या गमिटोफाइट के ही किसी हैप्लोइड सेल से बनेगा, तब इस कंडीशन को हम बोलेंगे एपोगैमी। और सिंपल दूसरा है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का मतलब डिप्लॉइड स्पोरोफाइट से जब एम्ब्रियो फॉर्म होगा, डायरेक्टली नहीं बट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट आगे जाके प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड गमिटोफाइट और डिप्लॉइड गमिटोफाइट आगे जाके प्रोड्यूस करेगा डिप्लॉइड एम्ब्रियो। तो यहां पे हम बोलेंगे व्हेन डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड गमिटोफाइट इट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी, मतलब डिप्लॉइड गमिटोफाइट से डिप्लॉइड एम्ब्रियो भी बनेगा आगे। ठीक है, और इसी के साथ ये जो है ये विदाउट मियोसिस हो रहा है, मतलब इसमें क्योंकि गमिटोफाइट डायरेक्टली डिप्लॉइड फॉर्म हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन में मियोसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि मियोसिस ही वो सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को आधा करता है। अब यहां पे क्रोमोसोम नंबर आधा हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहां पे मियोसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस की। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब क्या, रिकरेंट का मतलब होता है जो सेल पहले थे वो फिर से आके कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो रिकरेंट एपोमिक्सिस का मतलब दैट इज द प्रीवियस सेल्स ऑफ एन ओव्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, द प्रीवियस सेल्स, ठीक है, कोई नया सेल यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है टू फॉर्म द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे यही प्रोसेस को हम समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड रिकरेंट सेल। डिप्लॉइड रिकरेंट यानी जो पहले के सेल है, फॉर्मेशन हो रहा है एम्ब्रियो का फ्रॉम डिप्लॉइड, फ्रॉम पहले का कोई भी डिप्लॉइड सेल से। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड रिकरेंट सेल लाइक आर्किस्पोरियल सेल, जैसे कि आर्किस्पोरियल सेल हम देखेंगे वो सेल होते हैं जो ओव्यूल का कोई भी पार्ट फॉर्म कर सकते हैं, इंटेक्यूबेंट भी फॉर्म करेंगे, न्यूसेलस भी फॉर्म करेंगे, एम्ब्रियो सैक भी फॉर्म करता है आर्किस्पोरियल सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल वो सेल होते हैं जो एम्ब्रियो जो ओव्यूल के सारे पार्ट्स को फॉर्म करता है, तो उन सेल से भी यानी वो डिप्लॉइड होता है तो उस सेल से भी एक नया एम्ब्रियो बन सकता है। दूसरा, या तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का मतलब गमिटोफाइट ही होता है, तो डिप्लॉइड अगर गमिटोफाइट होगा एपोस्पोरी तो एम्ब्रियो बन सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से भी एक नया एम्ब्रियो बन सकता है। नेक्स्ट, न्यूसेलर सेल हमें पता है एम्ब्रियो सैक के आजू बाजू सराउंडिंग में न्यूसेलस टिश्यू होते हैं जो कि न्यूसेलस में पैरेन्काइमा सेल होते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं, तो इस सेल से भी जब नया जो एम्ब्रियो है वो फॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉइड रिकरेंट सेल यानी किसी भी डिप्लॉइड पहले वाले सेल से यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि आर्किस्पोरियल सेल, एम्ब्रियो सैक या फिर न्यूसेलर सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस की। ये भी एपोमिक्सिस का एक टाइप है जिसमें कोई भी पुराने सेल से एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता बल्कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए नया सेल प्रोड्यूस होता है, लाइक एग सेल। जनरली हम देखते हैं कि एपोमिक्सिस नहीं होगा तो क्या होगा, एग और मेल गमिट फीमेल गमिट दोनों का फ्यूजन होगा और जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गमिट्स नहीं होता, तो यहां पे क्या होगा, दो एग सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, और फॉर्म करेंगे डिप्लॉइड जायगोट। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन From either egg by parthenogenesis, parthenogenesis वही प्रोसेस है, without fusion of gametes, fruit formation होता है। तो with हम क्या बोलेंगे, embryo formation हो रहा है with the help of either egg cell के जरिए अगर हो सकता है तो होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, या एनी अदर हैप्लॉइड गमिटोफिटिक सेल। तो कोई भी दूसरे गमिटोफाइट के हैप्लॉइड सेल से या फिर एग सेल से जब फर्टिलाइजेशन होके यानी फ्यूजन होके जब नया एम्ब्रियो फॉर्म होता है तब उसको हम नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं।
एग्जाम्पल इसमें आता है निकोटियाना, और ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस के, वो स्टराइल होते हैं, मतलब आगे जाके वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, दैट इज ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। और वो एग सेल, दो एग सेल, हैप्लोइड हैप्लोइड एग सेल फ्यूज होते हैं और एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, तो वो होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, मतलब पुराना कोई भी सेल इन्वॉल्व नहीं है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा या तो न्यूसेलस के सेल से या तो इंटेग्यूमेंट के सेल से, अलोंग विथ नॉर्मल जाइगोटिक सेल, अलोंग विथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो एक तो जाइगोटिक एम्ब्रियो तो रहेगा ही, जो पहले नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा था मेल और फीमेल गमिट के फ्यूजन से, जो जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था वो तो रहेगा ही, बट उसके एडिशन में एक और एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा आइदर विद द हेल्प ऑफ न्यूसेलर सेल, आइदर विद द हेल्प ऑफ इंटेग्यूमेंट सेल, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट के सेल से या न्यूसेलस के सेल से एक एम्ब्रियो बनेगा और एक एम्ब्रियो ऑलरेडी जाइगोटिक एम्ब्रियो रहेगा, तो ऐसे दो एम्ब्रियो वाले कंडीशन को हम बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और ये आगे जाके पॉली एम्ब्रियोनी को लीड करता है, मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर होते हैं तो पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ये किन किन प्लांट्स में दिखता है, मैंगो, लेमन और ऑरेंज जैसे प्लांट जो है वो पॉली एम्ब्रियोनी को शो करते हैं। तो अभी हमको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है पार्थेनोकार्पी, और उसके बाद हमको पढ़ना है पॉली एम्ब्रियोनी। सो अब बात करते हैं पार्थेनोकार्पी के बारे में। पार्थेनोकार्पी ये जो है ये एक प्रोसेस या फिनोमिना है जिसमें हम बोलते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है फ्रूट। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गमेट और विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। इट इज अ फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पी ये जो टर्म थी सबसे पहले दी थी नॉल नाम के साइंटिस्ट ने इन 1902, ठीक है। अब पार्थेनोकार्पी कौन कौन से प्लांट जो है वो शो करते हैं, पाइनएप्पल, बनाना, पपाया जैसे जो प्लांट है ये पार्थेनोकार्पी शो करते हैं, और ये सीडलेस होते हैं। जब पार्थेनोकार्पी के जरिए इनका मतलब फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो उसमें सीड हमें देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट, इन दिस प्लांट प्लासेंटल टिश्यू अनफर्टिलाइज और ऑफ अनफर्टिलाइज ओवरी प्रोड्यूसेस ऑक्सिन। तो होता क्या है बेसिकली, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कैसे होती है, तो जो प्लासेंटल टिश्यू होते हैं ओवरी के वॉल में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड एज ऑक्सिन, जिसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं इंडोल 3 एसिडिक एसिड। और ये क्या करता है, ये हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनलार्जमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लासेंटल टिश्यू होते हैं ओवरी के वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और ये क्या करते हैं, ये ओवरी के एनलार्जमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब फ्रूट फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे कोई एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता, किसी तरीके का सीड फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि ओवरी चेंज होती है इनटू अ फ्रूट, और ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं इनमें सीड नहीं होता, तो सीडलेस फ्रूट्स हम इनको बोलते हैं या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। दिस फ्रूट्स आर सीडलेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। तो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब होता है मेनी एम्ब्रियोस, मोर देन वन एम्ब्रियोस, ठीक है। सो इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड, इट इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो एक सीड के अंदर जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो यानी मेनी एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं, देन दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट इट इज नोटिस बाय द ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट इन 1719 इन सिट्रस प्लांट और सिट्रस सीड्स। तो सिट्रस प्लांट में पहली बार इसको नोटिस किया गया था बाय अ साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक इन 1719, ठीक है। इसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी मे बी ट्रू और फॉल्स, ये दो टाइप की हो सकती है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी और फॉल्स। ट्रू कैसे, तो मेनी एम्ब्रियो अगर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर फॉर्म होते हैं, हमने बोला था ओव्यूल जो है उसमें एम्ब्रियो सैक होता है, ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाता है। तो एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर जब बहुत ज्यादा यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो, दो तीन चार एम्ब्रियो सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर होंगे तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। और वहीं पे मेनी एम्ब्रियोज इफ डेवलप इन डिफरेंट एम्ब्रियो सैक, ज्यादा एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं अलग अलग एम्ब्रियो सैक में, तो उसको फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी बोला जाता है। अब इसके भी दो टाइप है पॉली एम्ब्रियोनी के, एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी एंड क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव हमने पढ़ चुके हैं पहले, जिसमें हमने देखा था न्यूसेलस जो टिश्यू होता है पैरेन्काइमेटस सेल का, न्यूसेलस से एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है या इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो फॉर्म हो सकता है अलॉन्ग विद द नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो दो एम्ब्रियो होंगे, जाइगोटिक एम्ब्रियो और न्यूसेलर एम्ब्रियो, ठीक है।
और दूसरा हम देखते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। इसमें होता क्या है कि जाइगोट जो होता है वो प्रो एम्ब्रियो, जिसको हम बोल सकते हैं जाइगोट प्रो एम्ब्रियो या जाइगोट, वो आगे जाके दो या तीन यूनिट में डिवाइड होता है। मतलब एक जाइगोट के दो या तीन जाइगोट बनेंगे और ये जाइगोट आगे जाके नए एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे। मतलब एक जाइगोट से अगर चार जाइगोट बन जाते, तीन या चार, तो तीन या चार एम्ब्रियो फॉर्म होंगे बेसिकली। तो जाइगोट प्रो एम्ब्रियो समटाइम्स डिवाइडेड इंटू मेनी पार्ट्स और यूनिट, ईच यूनिट डेवलप्स इंटू एम्ब्रियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ न्यू प्लांट। तो न्यू प्लांट्स के सर्वाइवल के चांसेस पॉलीएम्ब्रियोनी से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी जो है वो यूजफुल होती है इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। मतलब एक एम्ब्रियो अगर ग्रो नहीं भी कर पाया तो दूसरा या तीसरे एम्ब्रियो से प्लांट की ग्रोथ, सीड की ग्रोथ यानी प्लांट जर्मिनेशन होता है। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने पार्थेनोकार्पी के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया कि पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये हम देखते हैं इनमें हम पार्थेनोकार्पी कैसे इंड्यूस होती है, तो एक हार्मोन ऑक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है बाय सम प्लासेंटल टिश्यू ऑफ ओवरी, जिससे कि ओवरी का एनलार्जमेंट होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल हमने देखे पाइनएप्पल, बनाना, पपाया। वहीं पे पॉलीएम्ब्रियोनी ज्यादा नंबर ऑफ एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं इन अ सिंगल सीड और सिंगल ओव्यूल, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक, और ये भी दो टाइप का होता है, दैट इज ट्रू और फॉल्स। और इसमें और दो टाइप हम को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज एडवेंटिव और क्लीवेज। एडवेंटिव में न्यूसेलस से या इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, साथ ही में जाइगोटिक एम्ब्रियो होता है। और क्लीवेज में क्या होता है कि एक जाइगोट के दो चार जाइगोट बन जाते हैं और दो चार जाइगोट से दो चार एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और डिस्कशन हम करेंगे, दैट इज पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस दोनों एक दूसरे से कैसे सिमिलर या डिफरेंट है। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय और फॉर्मेशन ऑफ न्यू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फॉर्म होता है तभी न्यू प्लांट फॉर्म होगा ना, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विथ अ सिंगल एग सेल और अ सिंगल मेल गमिट। तो एग एक फीमेल गमिट से या एक मेल गमिट से जब एक पूरा प्लांट नया प्रोड्यूस होगा बाय एम्ब्रियो प्रोडक्शन, तो उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज दोनों ही होता है पार्थेनोजेनेसिस में, जिसमें हम देखते हैं कि या तो एक पूरा प्लांट या तो एक पूरा एनिमल डेवलप होता है या तो सिर्फ मेल गमिट से या तो सिर्फ फीमेल गमिट से। तो ये हैप्लोइड होते हैं और ये आगे जो है वो स्टराइल होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बट पार्थेनोकार्पी में हम देखते हैं कि सिर्फ फ्रूट फॉर्म होता है, कोई प्लांट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये था एक पूरा वीडियो लेक्चर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी और पार्थेनोकार्पी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।